सोशल मीडिया पे इतने गाने हिट हो गए, वो गाना बीच में हिट हुआ था काचा बादाम दादा काचा बादाम अमर गाचे नहीं तो खूब भाजा बादाम, उसमें लोग डांस कर रहे हैं, इतना जबरदस्त डांस कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो रही है जो समझ में नहीं आ रही। अब तक कहां थी, शादी से पहले क्यों नहीं मिली, तब छुप गई थी, अब फटाफट छप रही हो यहाँ वहां। तो हमारे लाइट में लाइट थोड़ा सा हल्का शॉट इसमें मार दीजिएगा, आइए। और ये सब के सब हमारे बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम किया है और हमने 10 साल से हमारा एसोसिएशन है और पहले भी शोज बहुत सारे किए, इवेंट्स पे इवेंट किए, आगे भी करते रहेंगे। आप सब की जोरदार तालियां चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मिलेगा। आप सबको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे 2023 में हम 23 शोज करें साथ में और 2000 करोड़ कमाए। नहीं ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, ये फिर शुरू हो गए। सर अभी मैं बुलाना चाहूंगा, बस एक लास्ट जोक सुना देता हूँ, उसके थ्रू आपसे चाहता हूँ। देखिए आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो रही है, ऐसी सुंदर लड़की अपना फोटो डाले और लिखे आज मैं घर में अकेली हूँ, तो कितने कमेंट्स आएंगे। हम जैसा आदमी फोटो डाले तो यही जो चिल्लाने वाला कमेंट करेगा, मैंने यही वाक्य लिखा आज मैं घर में अकेला हूँ, तो ये कहेगा फांसी लगा ले। सोशल मीडिया पे इतने गाने हिट हो गए, वो गाना बीच में हिट हुआ था काचा बादाम दादा काचा बादाम अमर गाचे नहीं तो खूब भाजा बादाम, उसमें लोग डांस कर रहे हैं, इतना जबरदस्त डांस कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो रही है जो समझ में नहीं आ रही। मनी के मांगे हित मुदुए नूरा हेंग बियाही एवेले मा ये न मैं न कपिया धरन ये न पैदा कमा धरन सुमनारी सुकुमारी सुकुमारी तिलोत्तमा। खाली माँ समझ में है, बाप के समझ में गाना नहीं है। उससे अच्छा तो अभी यहाँ रंगो बोलती ही है, एंजॉय करेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर बहुत अच्छा फैशन शो। आई विल नेवर फॉरगेट उसी टाइम का ये सबसे बड़ा म्यूजिकल हिट था। सर वेलकम टू दिस 92 एंड विद कश्मीर विद करिश्मा कपूर तेरी कहानी याद आए and we have the DIG of a BSF Mr. Brijpal sir, honorable Brijpal sir, please come on the stage and the where are you guys here? I would like to call upon the organizer, yes, and the one and only the honor of Khosla brother, please come on the stage, Mr. Solomon Khosla.